नई कुर्सी पर जोन 2 के मोहनलाल जैन महाविद्यालय में अजीत जोगी छात्र संगठन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया गया। अजीत जोगी छात्र संगठन के कर्मचारियों ने कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा की मांग की है। साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश द्वार और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था किए जाने एवं पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की मांग भी की है। महाविद्यालय में स्टाफ की कमी है, जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। अजीत जोगी छात्र संगठन के प्रदेश महासचिव आशिक हुसैन का कहना है कि महाविद्यालय के सामने शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, जिससे कि अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। शासकीय महाविद्यालय को विभिन्न मुद्दों को लेकर आज इसका घेराव किए हैं। हमारी मांगे थी कि कॉलेज तो मिले हुए लगभग 5 से 6 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पे ना बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है, ना सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, ना यहाँ पे लाइटिंग है, ना कुछ है यहाँ पे, मतलब मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। जिसको लेकर हम लोगों ने आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया और कॉलेज से घेराव किया गया था और अपनी मांग से अवगत कराया। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हम सड़क से लेकर कॉलेज से लेकर तक आंदोलन करें और इसे भव्य से भव्य एकदम उग्र आंदोलन करें। उन्होंने अनुरोध किया है कि महाविद्यालय के सामने लाइट की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज की सफाई की व्यवस्था लचर है, जिसे दुरुस्त किया जाए और कॉलेज की बिल्डिंग की मरम्मत कराई जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।